इनसे आज हम एक डेमो भी करेंगे। एक सेकंड मैं कैमरा सेट कर लूं। यस, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले ये है एलिफेंट पावर ऑफ आर्ट आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स। तो ये है 12 कलर्स का एक ये पैक है, तो आपको ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये बजट फ्रेंडली कलर्स हैं। सबसे पहली बात तो आर्टिस्ट क्वालिटी कलर्स हैं, मेरे पास सब भी पहुंचे हैं। तो मुझे इसे अनबॉक्सिंग करना था और इसको यूज करना था, तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये देखिए जैसे ये इनकी ट्यूब्स हैं। तो इसको खोलते हैं तो इसके ट्यूब्स, एक तो ये काफी अच्छा बॉक्स है, इसके अंदर से जो ट्यूब्स हैं वो भी बड़ी सुंदर है, सिल्वर कलर की हैं ये देख सकते हैं। तो ये बंड सेना है, तो अलग अलग शेड्स इसके हैं। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए भी अभी सारे खोलते ही जाएंगे तो स्टार्ट करता हूँ। तो साथ साथ इन कलर्स के बारे में हर चीज के बारे में बात करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बंड सेना लगा लिया। ठीक है, अभी आई थिंक आपको अच्छे से नजर आएगा। और इसके बारे में एक स्पेशल चीज बता दूं, देखो अभी यूज करने के बाद कलर्स की क्वालिटी पता चलेगी, वो तो मैं उसके बाद ही बता पाऊंगा। पर इनकी एक खासियत है, ये 12 कलर्स 120 ml की ट्यूब्स हैं, तो 12 शेड्स जो है इसका MRP अराउंड 2700 के आसपास है। तो इसका आफ्टर डिस्काउंट ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं 1800 और 1900 रुपए के बीच में ये 12 ट्यूब्स। तो उसके बाद अगर आप इन्हें ऑर्डर करते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो ये ऑर्डर करते हैं तो वो आपको फ्री होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। तो मैं लिंक शेयर करूंगा। तो अभी साथ साथ मैं थोड़े थोड़े कलर डालता रहता हूँ। जो जो शेड मुझे चाहिए थोड़े से मैं डालता रहता हूँ। वैसे तो टाइम सेव करने के लिए मैंने किसी को बोल दिया कि अभी बॉक्स में डाल दो कलर, तो टाइम बच जाएगा। यहाँ 3-4 शेड यहाँ लगा लेते हैं। तो ये व्हाइट और येलो कलर भी ले लेते हैं। मुझे पैकिंग बड़ी सुंदर लगी इनकी। एक तो ये अब कैरी करना इजी है, दूसरा इनकी पैकिंग बड़ी सुंदर है, सिल्वर कलर की ट्यूब बड़ी अच्छी लग रही है। तो इसके बाद थोड़ा सा ऑकर भी निकाल लेते हैं। पिगमेंट तो अच्छा लग रहा है, बाकी अब यूज करके पता चलेगा। तो मैंने एक रेफरेंस पिक्चर उठा रखी है, देख सकते हैं, तो मेरी क्लिक की हुई है, नलहोटा की है ये। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे एक्रेलिक में करने की। सो एक दो और शेड्स निकाल ही लेते हैं, अब थोड़ा सा ब्लैक निकाल लेते हैं। थोड़ा सा स्कारलेट रेड, थोड़े थोड़े शेड निकाल लिए मैंने। तो अभी 3 शेड मैंने इसमें निकाल लिए हैं, अभी थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। ये कोबाल्ट ब्लू है, ये पर्शियन ब्लू है, ये सैफ ग्रीन है,
ये ज्यादा यूज होते हैं इसलिए इसे इसमें डाल लिया, क्योंकि ये वेस्ट नहीं कर सकते हम, ये उसी क्वांटिटी के निकाले जितनी जरूरत है, इसमें से जितना चाहिए हम लोग वो कलर लेते रहेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिंपल वाटर यूज कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये, ठीक है। तो सारा अभी थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू लिया मैंने, तो वाइट लेके पहले इसका एक में कलर अप्लाई करते हैं। कैनवस आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, आपकी चॉइस है। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ कि मैं जो कैनवस यूज कर रहा हूँ वो EBS कंपनी का है, जो चंडीगढ़ में अवेलेबल है। पर मैं अभी जितना भी मैंने अभी टच किया है, मतलब आज तक मैंने बहुत सारे कलर यूज किए हैं, मतलब जैसे नाम किसी का लेने की जरूरत नहीं है, पर ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो ये अक्सर ही अब मेरी कलेक्शन में नजर आएंगे। क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है तो वो पहले तो चलो उसकी पैकिंग का तो था ही, जो अभी अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन जो आ रही है तो उसका भी एक इम्प्रेशन होता है, वो भी देखते हैं कि कैसा आ रहा है। थोड़ा सा ऑकर और थोड़ा व्हाइट, थोड़ा सा रेड बन से ना, थोड़ा सा बिना ड्राइंग किए ही स्टार्ट किया मैंने। तो जो कलर की जो पिगमेंट की जो कवरिंग है वो बहुत ही अच्छी है। सो रियली में मैं आप लोगों को फिर कहूँगा कि मैं आपको एक सच्ची बात दूँ कि मैंने आज तक बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे एंडोर्स करने के लिए आए हैं, तो दो ही तरीके हैं, या तो उनको एकदम से कोर के यूज करके हम जो भी अगर अच्छा इम्प्रेशन है या बुरा इम्प्रेशन है उसी वक्त बता दो, अगर कहीं डाउट होता है तो मैं अनबॉक्स पहले करके चेक करता हूँ चीज़ों को, अगर अच्छी लगे तो मैं उनकी प्रमोशन करता हूँ, अगर नहीं लगे तो। ये कलर मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ कि मैंने ये खुद कलर अमृतसर में कैंप में यूज किए थे, तो ये आपके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जो भी रिजल्ट आएगा कुछ भी आएगा वो आपके सामने आएगा। तो ब्रश भी जो मैं यूज कर रहा हूँ हॉगेयर ब्रश है, बहुत पुराना मेरी कलेक्शन में है। सो एक काम करते हैं, ये ब्लू कलर के जो शेड्स हैं यहाँ पे थोड़े से निकाल के रख लेते हैं, जितना चाहिए होगा उतना यूज करते जाएंगे। ये ग्रीन का भी, तो इनको फिर मैं क्या करता हूँ, ये नमक डालने वाला है बॉक्स, इसके अंदर डाल के मैंने इसको बंद कर रखा है। इससे क्या थोड़ा सा एयर टाइट हो तो और भी अच्छा है, तो नहीं तो इसके अभी काफी देर तक कई दिन तक सूखता नहीं है कलर, तो यूज कर सकते हैं। ये इजी हैक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये मैं कलर पैलेट जो यूज कर रहा हूँ, मेरे पास कोई पुराने प्लास्टिक जो होते हैं कहीं से भी कोई निकलता है, जैसे कैनवस का ऊपर का प्लास्टिक, तो मैं ऐसे यूज कर लेता हूँ कॉर्नर्स पे टेप लगा के, तो वेस्टेज नहीं होती। तो जब भी हम पेंटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो ये फोल्ड करके फेंक लेंगे। वाह, तो ये सच्ची में मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छे कलर्स हैं, अभी तक तो मुझे मजा आ रहा है इसमें। अब एंड तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है वो अभी जब तक नहीं पूरा होता तो नहीं बता सकते। तो आपको सिर्फ कलर्स के बारे में नहीं बता रहा, तो आपको तो एक लैंडस्केप की डेमो भी मिल रही है, उसका भी एक मजा आएगा कैसे मैं बिना ड्राइंग किए एक्रेलिक में प्ले करता हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं, जितनी आप समझ लेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है ये बजट में है, मतलब अगर आप एवरेज निकालें तो 120 ml की ट्यूब 150 के अराउंड पड़ती है, पर उनका जो मुझे उन्होंने कहा था कि मिनिमम ऑर्डर 2000 का होना चाहिए अगर आप कुछ ही ऑर्डर करते हैं,
शिपमेंट फ्री दे रहे हैं। तो देखिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डिटेल सेंड करूंगा। ओके, अभी मैंने थोड़ा सा मैसेज पढ़ा तो मैं बता दूं कि ये एलिफेंट कंपनी के कलर्स हैं। तो ये इनका एक बड़ा बॉक्स आता है 12 शेड्स का, तो 120 ml की ट्यूब है, तो 30% डिस्काउंट दे रहे हैं वो MRP पे। तो ये नहीं आ रही है, तो अभी बहुत जल्दी आपको मार्केट में एक्रेलिक करने वाले हर आर्टिस्ट के हाथ में दिखने वाला है। और सिंपल मैं वाटर के साथ कलर्स को यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग से यूज कर रहा हूँ, कोई जेल या कोई मीडियम, कुछ भी नहीं, सिंपल। सॉरी मैं आप लोगों के सवाल नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे इस पेंटिंग को आपके सामने कंप्लीट करना है, तो आज मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है जो मुझे मैसेज करके सुना सके। बहुत रेयर होता है कि ना हो, तो आज वो रेयर डे है। अभी एक थोड़ा सा क्रिम्सन भी निकाल लेते हैं, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया वो देख सकते हैं ये एलिफेंट कंपनी के कलर्स। ये बड़े ही प्यारे सिल्वर ट्यूब के अंदर पैक है। तो ये अभी अगर किसी को भी 1% भी वो डाउट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास पहले भी एक बॉक्स आया था, तो उन्होंने मुझे पहले भी ये कलर दिए थे। तो जब इन्होंने मुझे ये कलर दिए थे, तो तब मैंने उनको, मुझे लगा कि उनकी पैकिंग बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखिए अभी उन्होंने पैकिंग जो नई चेंज कर दी है वो बहुत अच्छी है। ये उन्होंने, तो यही कंपनी एक अच्छी होती है कि जो कुछ कलाकारों से बात करके, डिस्कस करके, तो प्रोडक्ट को और रिफाइन करती है। एक्रेलिक मीडियम की मुझे अच्छी बात क्या लगती है कि आपको सिरदर्दी नहीं होती, आप कहीं भी किसी भी लेवल पे जाके करेक्शंस कर सकते हैं। तो रैली में मजा आने वाला है इस डेमो का सबको, तो बने रहिए। जितना जिसने भी सीखना है, जितना बने रहेंगे उतना ही ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए हमने बैकग्राउंड में पेंट कनेक्शन कर दिया साथ साथ, तो अभी स्काई के कलर लगाते हैं थोड़े से। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आज मैं आप लोगों के सवाल नहीं ले पा रहा। वाओ, अभी मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, अगर आपको एक्रेलिक कलर को समझ ना है, तो आप डार्क के ऊपर लाइट जब अप्लाई करते हैं, स्पेशली व्हाइट कलर, तो कितना अच्छा वो फील देता है, तो कितना वो टिकता है, कितना बना रहता है, ये जरूर चेक करें। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप दूसरे जो कलर्स जो भी इस रेंज के हैं किसी भी कंपनी के, नो डाउट वो भी अच्छे होते हैं, एक चांस इनको भी देखे देखिए, तो आप स्विच हो जाएंगे इन कलर्स पे।
मैं डेफिनेटली ये कलर्स रूटीन में यूज करने वाला हूँ। वाह, ये कलर जो मैंने अभी तक मेरे फ्रेंड निशिकांत से मेरी बात हुई थी कि अभी जितने भी बेसिक कलर आते हैं उनमें एक प्रॉब्लम आती है कि वो कवरेज जो वाइट की होती है लाइट कलर्स की तो उतनी नहीं होती। इसमें इस वाइट ने बहुत ही अच्छी कवरेज दी है, तो मैं वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा स्काई और बैकग्राउंड बन गया। अब जब इसके ऊपर आगे की डिटेल आएगी तो और ब्यूटीफुल लगेगा ये। अभी देखते जाओ धीरे धीरे क्या नशा होने वाला पेंटिंग में। जो मिस करेंगे तो वो बाद में सोचेंगे, अच्छा यार जब बन रहा था हमें लगा नहीं था कि ये आर्टवर्क का ये रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं। तो जो सूखने की इसकी स्पीड है नॉर्मल जो बाकी एक्रेलिक कलर्स है वैसी ही है, तो ये इसमें कोई मुझे फर्क नहीं नजर आ रहा। बाकी मीडियम वगैरह यूज करके आप लोग खुद का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इसका जो भी डिटेल्स है कहाँ पे अवेलेबल है तो मैं लिंक वगैरह डाल सकूं। एलिफेंट पावर ऑफ आर्ट अच्छा नाम है। देख सकते हैं धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जा रही हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। सो मैं अगर एलिफेंट कंपनी का कोई भी ऑनर या उनकी कंपनी से कोई भी जुड़ा हुआ है उनको सच्ची में बधाई देना चाहूंगा कि रियली में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था आपका। तो ये मैंने जब अमृतसर में यूज किया था तब भी मुझे मजा आया था, तो तब मुझे थोड़ा पैकिंग का ही इशू लग रहा था कि वो ऑर्डिनरी सी लग रही थी। तो अभी जब इन्होंने ये सब निकाला तो श्योर है कि ये अगर अपनी ये क्वालिटी मेंटेन रखेंगे आप सर तो ये आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली मार्केट में बहुत ही चलने वाला है। गुड, वेरी गुड। जो एक आर्टिस्ट को चाहिए होता ना कि भी कलर की जो पिगमेंट की जो क्वालिटी वो इसमें है, रिचनेस है, वो सब कुछ मैं फील कर पा रहा हूँ। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा अब पेंटिंग को थोड़ा सा फाइनल की ओर लेके जा रहे हैं। अभी हमारा बेस बिल्कुल का हो चुका है तो थोड़ा सा तो एक काम करते हैं, देखिए फैन ब्रश का क्या हाल कर रखा मैंने, इसको यूज करके देखते हैं क्या करता है। थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा ऑकर। ये मैंने इसलिए किया कि मुझे कहीं ना रैंडम स्ट्रोक चाहिए होते हैं, जैसे ये देखिए
मुझे प्लान नहीं चाहिए, वो जब वो लगे तो। चलो अभी थोड़ा सा कोई और राउंड ब्रश ले लेते हैं, एक बार थोड़ा सा ब्लैंड स्ट्रोक्स देते हैं। अभी ये लगने के बाद क्या होगा, स्काई एकदम से पीछे चला जाएगा। मैं फिर बता दूं, जो हम कलर्स यूज कर रहे हैं वो नए हैं, मार्केट में आए हैं, एलिफेंट पावर ऑफ आर्ट। एक बार उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, कहाँ पे अवेलेबल है। आज वैसे मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, पर मैं उतना एनर्जेटिक नहीं हूँ, आप लोग फील कर रहे होंगे। आज यार हम लोग वहाँ चितकुल से आए हैं, मेरे फ्रेंड्स निशिकांत अचिंत्य अब अपने अपने घर गए हैं। इस बात की तो खुशी है, चलो अपनी फैमिली के पास गए हैं, पर यहाँ से हमें अकेला करके चले गए हैं, छोड़ के चले गए हैं। अपना अभी घर सूना सूना लग रहा है, तो उस वजह से थोड़ी सी एनर्जी लेस है। सो आई नो कि आप लोग समझ पाएंगे मेरी फीलिंग को, कि हमने कल यूट्यूब पे बहुत हल्ला किया, खूब मस्ती की है। अब सोचो सही कि उसके बाद घर सूना लगेगा तो कैसा लगेगा। तो ब्रश कोई भी ऑर्डिनरी ब्रश यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। अभी आई थिंक हमें 2 मिनट ब्रेक ले लेना चाहिए, तो मेरा साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है जूम के थ्रू। ये शायद हम लोग कोशिश करेंगे यूट्यूब पे भी इसको लाने की, तो ये देख सकते हैं कि अभी जो हमारा कलर्स का खिलवाड़ है वो चल रहा है। मुझे थोड़े से जो दूर की चोटियां हैं उनमें थोड़े से कलर लगाने हैं, यहाँ से पता चलता है कि पिगमेंट कितना अच्छा है। अगर वो कवरेज अच्छी दे रहा है, अभी जैसे मैंने शेड एकदम से चेंज किया, क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो मैटर करती है चीजें। तो ये काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे दूर एक रास्ता दिखाना है तो वो थोड़ा सा व्हाइट कलर में होगा, देखते हैं वो कितना हाईलाइट होता है वो। ये व्हाइट लिया, यस अमेजिंग, ये काफी अच्छी कवरेज है। अगर जिन्होंने मुझ पे बिलीव करके पहले भी कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं तो उनको पता ही है कि अगर मुझे ये पसंद आया तभी मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं आप बड़ा ही जेन्युइनली बोल देता अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होती है। बस आप लोग जिस दिन ये हाईलाइट होके मार्केट में बिकना शुरू होगा प्रोडक्ट, आप लोग जरूर बताना कि कैसा रिकमेंडेशन था मेरा, मुझे पर्सनली मैसेज करके जरूर टैग करना कि हाँ जी सर ये प्रोडक्ट हमने यूज किया, ये बनाया और अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी आपका फीडबैक हो। तो मेरा फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव है, तो देख सकते हैं ये काफी अच्छे से
ब्लेंडिंग हो रही है, कलर फील हो रहे हैं ये। हाँ एक और चीज, अगर कलर्स को थोड़ा सा देर तक आप रखना चाहते हैं वेट, तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए कलर्स के ऊपर। इससे क्या होगा कि कलर्स में मॉइस्चर बना रहेगा और वो कलर सूखेंगे नहीं जल्दी। ये टेक्निक भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। देखिए पेंटिंग का जो असली चेहरा है उभरना शुरू हो रहा है। ये देखिए जो हमारा फील चाहिए था वो धीरे 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 आना शुरू हो गया। तब तो बिल्कुल नहीं मिस करने वाला टाइम, अभी तो 15-20 मिनट और है, बने रहिए। तो ये फाइनल वर्क आउटपुट देख के देंगे आप। इसको मैं अपने पोस्ट में भी डालूंगा ताकि आप लोग देख सके एक्चुअल में रिजल्ट क्या है। भी अच्छा हो रहा है, आजकल बहुत सारी कंपनियां बहुत ही एफर्ट कर रही हैं कि बजट फ्रेंडली मटेरियल बनाने के लिए। जैसे आजकल ब्रशेस बहुत सारी कंपनियां लेके आ रही हैं, जैसे अभी ये बड़ी जरूरत थी एक अच्छा प्रोडक्ट बजट में। अच्छा पिगमेंट है, देख सकते हैं स्काई एकदम से पीछे चला गया है। वाह इतना मजा आ रहा है कलर लगाने का, तो उसकी रिचनेस आप लोग फील कर ही पा रहे होंगे।
अभी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स जैसे बैकग्राउंड में चाहिए, तो जैसे जैसे आ रही है तो पेंटिंग की ब्यूटी बढ़ती जा रही है। स्काई देखिए पीछे चला गया है, थोड़ा सा कलर डल करके लगाते हैं थोड़े से। फोटो में तो ये ट्रीज उतने डल नहीं है, पर हम लोग कोशिश करते हैं। मैं रेफरेंस भी दिखा देता हूँ आपको जिससे हम लोग बना रहे हैं। तो ये दोनों पर्पस से आपके लिए काफी हेल्पिंग रहेगा। एक तो कलर के बारे में जानने के लिए, बजट फ्रेंडली क्या मटेरियल आप खरीद सकते हैं, और दूसरा डेमो तो है ही, आर्टवर्क तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। तो अगर वो आप एक्रेलिक करते हैं तो एक बार ये कलर जरूर यूज करके देखिए। तो आपको शुरू में जो भी एक्रेलिक में आना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला इस बजट में। सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, किसी ने कॉल कर दी। अभी जो पत्थर है उनके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालते हैं, उनका क्या फील आएगा देखिए। थोड़ा सा डार्क शेड इस तरफ, तो इसके बाद थोड़ी सी बैकग्राउंड में डिटेलिंग करेंगे। मुझे कलर्स की एक अच्छी बात पता क्या लगी, ये नेचुरल शेड्स हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बहुत ही क्रैली कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं तो उतना रिस्पॉन्ड नहीं करते नेचर लैंडस्केप के लिए, तो ये काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये देखिए रास्ता जा रहा है ऊपर को, तो उसके ऊपर अब डिटेल लाते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर
एक बार थोड़ा यहाँ टच करके, देखिए कितना अच्छा फील आया है। अभी यहाँ पे एक मिनट का पॉज लेते हैं। तो ये एनवायरनमेंट तो जो मुझे चाहिए था वो बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड के जो कलर हैं वो थोड़े से यहाँ लेके आते हैं। तो यहाँ पे अब डार्क कलर्स अप्लाई कर देते हैं। भी वो बॉक्स जो मैंने शुरू में दिखाया था जिसमें मैं कलर संभाल के रखता हूँ, तो यहाँ काम आ गया कि इसके बाद जो भी कलर बचेंगे तो उन बॉक्सेस में रख देंगे। तो 2-3 दिन तो हमारा काम बढ़िया चलता है। जैसे आज शाम को मेरे करेली की क्लास है तो उसमें यूज हो जाएंगे मेरे ये कलर्स, कुछ भी वेस्ट नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है। तो क्रैलिक में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वैसे तो सबके अपने पे टेक्निक होती है, तो मेरी टेक्निक में मैं ज्यादातर डार्क टू लाइट ही चलता हूँ ऑयल कलर की तरह। तो मुझे अच्छा लगता है, कलर भी अच्छे खिल के आते हैं। तो अच्छे क्रैलिक में ये बड़ी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं। फिर छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं। यहाँ मैं क्या बताता हूँ, अगर क्योंकि मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा, तो अगर किसी को मेरी वाटर कलर या एक्रेलिक की क्लासेस भी रेगुलर चल रही हैं तो ज्वाइन करनी है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कुछ रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें आजकल बड़ी इजी हो गई हैं। तो और कलर्स के बारे में जानने के लिए, जहाँ वैसे तो मैंने सारी डिटेल बता ही दी है, तो कहाँ से मिलने हैं वो सारी डिटेल मैं डाल दूंगा। तो उनका फेसबुक पेज, उनका इंस्टाग्राम हैंडल और जो जो भी डिटेल्स अवेलेबल है हमारे पास, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर। देख सकते हैं कवरेज कितनी अच्छी आ रही है, मतलब कलर कैसे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है।
ये छोटे छोटे पत्थर हैं देख सकते हैं, यहाँ भी पत्थर है यहाँ भी। तो काफ़ी हद तक हमारा आर्टवर्क कंप्लीट होने पे आ गया है, तो जितनी चाहे डिटेल करते जा सकते हैं। फिर तो मैं रास्ते पे थोड़े से वो कंकर पत्थर छोड़े उठे जरूर दिखाऊंगा, रेफरेंस भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि किस रेफरेंस से हमने पेंटिंग में बनाया। कलर्स तो मैंने आपको सबको बता ही दिए हैं कि एलिफेंट कंपनी के नए कलर आए हैं मार्केट में, जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। तो कच्चे रास्ते में थोड़े से कलर और चाहिए। देख सकते हैं रास्ते का कलर कितना अच्छा आया, लग रहा है कि रास्ता ऊपर का थोड़ा सा चढ़ रहा है। तो इसका ये ब्यूटी स्पॉट था। इसके बाद मैं इसको टेप उतार के दिखाऊंगा तो और भी मजा आएगा। तो अभी इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अगर पेंटिंग को यहाँ पे हम लोग छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर और डिटेल करनी चाहे तो कर सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस है। तो मैं थोड़े से और टच लगा के सिग्नेचर करूंगा अभी। स्काई कलर मैं चाहता हूँ ट्रीज के बीच में से भी नजर आए, मुझे चाहिए ये कलर मैंने लगा दिया, इससे पेंटिंग और खूबसूरत दिखती है। देख सकते हैं कलर अभी तक सूखे नहीं है, एक बार ही डाले थे हमने। और कमाल की बात यह है कि मैं हमेशा हर पेंटिंग डबल लेयरिंग में करता हूं, तो ये मेरी पूरी की पूरी पेंटिंग सिंगल लेयरिंग में लेयर में हो गई है। तो ये मैंने खुद भी अभी फील किया कि रियली में ये तो एक अच्छी बात है कि मैंने सिंगल कोटिंग के अंदर ही सारी पेंटिंग कंप्लीट कर दी है। अब लोग देख सकते हैं कि मैंने दोबारा इसकी कोई लेयरिंग नहीं करी, ये एक अच्छे कलर्स की क्वालिटी की वजह से ही पॉसिबल होता है। देख सकते हैं तो अगर आपको पेंटिंग को और सॉफ्ट करना है तो ये बाद में आप इनके ऊपर भी थोड़े से कलर सॉफ्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बहुत है इसमें काम, अभी थोड़े से और कलर्स फाइन कर देते हैं फिर साइन करेंगे।
जिन्होंने भी हिमाचल में नलहोटा विजिट किया उनको पता है कि इस कलर के कितने पेड़ है वहां पे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं उनमें, पिंक ऑरेंज येलो बहुत सारे शेड्स नजर आते हैं, ग्रीन के बहुत सारे शेड्स। सो मैंने कोशिश किया कि मैं वो लगा सकूं, बहुत ज्यादा डिटेल ना करते हुए अब मैं इस पेंटिंग को यहीं पे छोड़ने का सोच रहा हूं, अभी छोड़ा नहीं है। तो हाँ अभी छोटा छोटा पार्ट अभी है बाकी। छोटे छोटे पत्थर, तो पत्थर पत्ते कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको इतना हार्ड नहीं रखना, तो सॉफ्टली, तो इनके साथ साथ एक छोटी छोटी शेडो डार्क टोन्स लगा दो। ये अभी भी थोड़े से डार्क दिख रहे हैं तो सॉफ्ट करेंगे। कैसा लग रहा है आपको आर्टवर्क? अभी टेप उतरेगी तो ये और सुंदर लगेगा। तो टेप के बाद मजा आएगा क्योंकि वो फाइनल आउटपुट इसकी नजर आएगी। लास्ट में ओ ठीक ही है, थोड़ी सी डिटेल। तो एक दो बर्ड्स, दो बहुत है। अब सिग्नेचर करने के बाद आपको मैं इसकी टेप उतार के दिखाता हूँ, वो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट लगता है मुझे पेंटिंग का। तो कलर्स को थोड़ा सा थिन कर लेते हैं ताकि सिग्नेचर अच्छे से फ्लो में हो जाए। ब्रश थोड़ा सा बड़ा ही है वैसे तो। दो सात बाईस, एक काम करता हूँ अब मैं आपको कि टेप उतार के दिखाता हूँ तो आपको फिर पता चलेगा कि पेंटिंग कैसी बनी है। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं टेप उतार रहा हूँ। देख सकते हैं तो पेंटिंग, और बिल्कुल ऑर्डिनरी टेप लगा रखी है मैंने तो भी तो ये देखिए क्या मजेदार लग रही है पेंटिंग। आई होप कि आपको मजा आया होगा। तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि ये मैंने एलिफेंट कंपनी के कलर्स यूज किए, एक्रेलिक कलर्स देख सकते हैं। ये सिल्वर ट्यूब में आ रहा है 120 ml में, तो इनकी पर ट्यूब सेपरेट जो है 230 रुपये MRP है। तो ये अराउंड 150 रुपये तक की आपको अवेलेबल है मार्केट में, तो इनका मैं लिंक भी डाल दूंगा।
तो मैं भी आपसे 2 मिनट आपका सवाल लेता हूँ, ठीक है?